राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स इंडियन टी20 लीग का मैच नंबर 65 सीधा आ रहा है गुवाहाटी आसाम से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफेक्ट लाइनअप यूट्यूब चैनल। यहां पर आपको बताते हैं हर मैच का डिटेल डेटा और एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट, कौन है टॉप प्लेयर्स, क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के सजेशंस, किस टीम के ज्यादा चांसेस है इस मैच को जीतने के, क्या रहेगा प्रेडिक्टेड स्कोर इस मैच को लेकर, ये सारा डेटा हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ऑलरेडी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर सकती है। नंबर 10th पोजीशन पर अभी चल रही है पॉइंट्स टेबल में। इस मैच का वैसे तो कोई सेंस है नहीं, लेकिन राजस्थान को अगर क्वालिफाई करना है प्लेऑफ्स के लिए तो इस मैच को जीतना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगा प्रेडिक्टेड स्कोर इस मैच को लेकर। तो अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो 171 रन्स तक का टारगेट दे सकती है 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं अगर पंजाब किंग्स पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो 173 रन्स तक का टारगेट दे सकती है 6 विकेट के नुकसान पर। अब अगर विनिंग चांसेस की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स अगर पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो पंजाब किंग्स के ज्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने के 5 विकेट के साथ। वहीं अगर पंजाब किंग्स पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो इस मैच को जीतने के चांसेस हैं 24 रन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कहती है वेन्यू एंड पिच के स्टैट्स। तो बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेले जाने वाला है गुवाहाटी आसाम में। अगर ग्राउंड डायमेंशंस की बात करें तो 68 मीटर की स्क्वायर बाउंड्री है, 65 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्री है। पिच की अगर बात करें तो पिच इक्वली फेवर करती है बैट्समैन एंड बॉलर्स को। तो इवन सिलेक्शन रखना है अपने लाइनअप में बैट्समैन एंड बॉलर्स को लेकर, बैलेंस्ड पिच है यहाँ की। अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो 156 रन तक का है। एवरेज विकेट लॉस पर इनिंग की बात करें तो 5 विकेट्स हैं। टॉस ट्रेंड्स की अगर बात करें तो इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीमों ने ज्यादातर चेजिंग प्रेफर करा है, लेकिन वहीं अगर विनिंग चांसेस की बात करें तो इस पिच पर बैटिंग फर्स्ट प्रेफर है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ज्यादा मैचेस जीतती हैं इस पिच पर। बॉलर्स की अगर बात करें तो पेसर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं इस पिच पर, तो पेसर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए अपने लाइनअप में ओवर स्पिनर्स। इस IPL क्रिकेट्स लाया है आपके लिए कुछ धमाकेदार ऑफर्स। बैनर में आपको सारे ऑफर्स दिख जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अभी उस लिंक पर क्लिक करिए, साइन अप करिए क्रिकेट्स पर और पाइए 30% तक का इंस्टेंट IPL बोनस। तो इस ऑफर को बिल्कुल जाने मत दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अभी उस लिंक पर क्लिक करिए और साइन अप करिए क्रिकेट्स पर। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है टॉप प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स। तो जाएंगे हम स्टैट्स प्लेग्राउंड पर। स्टैट्स प्लेग्राउंड पर हमें कस्टमाइज्ड डेटा मिल जाता है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां मैं ऑलरेडी अपनी प्रेफरेंस एंटर करा चुका हूं। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं यहां मुझे टॉप प्लेयर्स की लिस्ट दिख जाती है। अब अगर पर्टिकुलर पोजिशन वाइज बात करें तो विकेट कीपिंग पोजिशन पर लास्ट 5 मैचेस में 325 पॉइंट्स के साथ है संजू सैमसन, विकेट कीपिंग बैट्समैन है राजस्थान से। लास्ट 5 मैचेस में 324 पॉइंट्स के साथ है जॉनी बेस्टो, विकेट कीपिंग बैट्समैन है पंजाब से। लास्ट 5 मैचेस में 221 पॉइंट्स के साथ है प्रभसिमरन सिंह, विकेट कीपिंग बैट्समैन है पंजाब से। बैट्समैन की अगर बात करें तो लास्ट 5 मैचेस में 332 पॉइंट्स के साथ हैं यशस्वी जायसवाल, बैट्समैन है राजस्थान से। लास्ट 5 मैचेस में 250 पॉइंट्स के साथ है शशांक सिंह, बैट्समैन है पंजाब से। लास्ट 5 मैचेस में 240 पॉइंट्स के साथ हैं रिली रूसो, बैट्समैन है पंजाब से। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो लास्ट 5 मैचेस में 259 पॉइंट्स के साथ है रेयान पराग, ऑलराउंडर है राजस्थान से। अगर बॉलर्स की बात करें तो लास्ट 5 मैचेस में 367 पॉइंट्स के साथ हैं हर्षल पटेल, बॉलर हैं पंजाब से। लास्ट 5 मैचेस में 307 पॉइंट्स के साथ हैं संदीप शर्मा, बॉलर हैं राजस्थान से। लास्ट 5 मैचेस में 247 पॉइंट्स के साथ हैं राहुल चहर, बॉलर हैं पंजाब से। लास्ट 5 मैचेस में 227 पॉइंट्स के साथ हैं नांद्रे बर्गर, राजस्थान से बॉलर हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के सजेशंस। तो रियान पराग
राजस्थान से ऑलराउंडर हैं, संजू सैमसन राजस्थान से विकेट कीपिंग बैट्समैन हैं, सैम करन पंजाब से ऑलराउंडर हैं, लेकिन इंग्लैंड के प्लेयर ऑलरेडी वापस जा चुके हैं। शायद सैम करन ये मैच ना खेलें, अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये पता चलता है कि सैम करन ये मैच नहीं खेलेंगे। हर्षल पटेल भी पंजाब से बॉलर हैं, ये भी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन काफ़ी अच्छे हैं। जॉस बटलर राजस्थान से विकेट कीपिंग बैट्समैन है, जॉस बटलर भी शायद ये मैच ना खेलें क्योंकि वापस जाना पड़ेगा वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए। अब अभी तक हमने जो डेटा एनालाइज किया उसके बेसिस पर जनरेट करते हैं अपनी फैंटेसी टीम। तो जाएंगे कस्टम टीम बिल्डर पर, सबसे पहले जाएंगे एडवांस सेक्शन में, सिलेक्ट करेंगे अपना फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे अपने बेसिस, पिक करेंगे अपना फॉर्मेशन। तो दो विकेट कीपिंग बैट्समैन चाहता हूं मैं अपने लाइनअप में, बैट्समैन मैं 2 से 3 चाहता हूं, ऑलराउंडर मैं चाहता हूं 2 अपने लाइनअप में, वहीं बॉलर्स मैं चाहता हूं 2 से 4। टीम सिलेक्शन प्रेफरेंस की बात करें तो पंजाब के ज़्यादा चांसेस है इस मैच को जीतने के, तो पंजाब किंग्स से मैं 6 से 7 प्लेयर अपने लाइनअप में रखना चाहूँगा। टीम वेरिएशन में डिफरेंट टीम्स के साथ जा रहा हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन की सेटिंग्स में डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ जा रहा हूँ। नंबर ऑफ टीम्स में 5 जनरेट कर रहा हूँ, आप अप टू 100 टीम्स भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ मुझे प्लेयर्स की लिस्ट दिख जाती है। अब इन प्लेयर्स को मैं सिंपली सिलेक्ट करके, लॉक करके या एक्सक्लूड करके अपनी टीम में या अपनी टीम से बाहर रख सकता हूं। अभी तक हमने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर रियान पराग को मैं रखना चाहूंगा, संजू सैमसन, हर्षल पटेल, शशांक सिंह रहेंगे, नांद्रे बर्गर, यशस्वी जायसवाल को भी रखना चाहूंगा, ट्रेंट बोल्ट भी रहेंगे मेरी टीम में, अर्शदीप सिंह को मैं रखूंगा, युजविंदर चहल भी रहेंगे। तो ये कुछ प्लेयर्स मैंने एज अ प्रेफर्ड मार्क कर लिए हैं अपनी टीम के लिए। अब जैसे ही मैं जनरेट टीम्स पे क्लिक करता हूँ विद इन अ सेकेंड मेरी टीम्स जनरेट हो जाती हैं, अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग फॉर्मेशन एंड अलग अलग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के साथ। अब इन टीमों को मैं सिंपली सिलेक्ट ऑल करके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी फैंटेसी में होने वाले लॉस से बचना चाहते हैं तो यूज करिए परफेक्ट लाइनअप का GL प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट। ये GL प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है अन्य प्लेटफॉर्म पर होने वाले GL कॉन्टेस्ट की तरह, बस एक डिफरेंस है कि परफेक्ट लाइनअप का GL प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आप जितनी चाहें उतनी टीमें लगा सकते हैं और मैच खत्म होने के बाद आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है जिनमें आपको सारी टीम का परफॉर्मेंस दिख जाता है, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती थी ये टीमें या कितना लॉस हो सकता था आपको, ये सारा डेटा आपको पता चल जाता है। कैसे आप अपने गेम को और अपनी टीम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी आपको पता लग जाता है। तो अगर फैंटेसी में होने वाले लॉस से आप बचना चाहते हैं और अपने गेम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यूज़ करिए परफेक्ट लाइनअप का GL प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट। तो ये था डिटेल एनालिसिस राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में खेले जाने वाले इस मैच को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी प्रेडिक्शन वीडियो को आप मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए मैच एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए कीप प्लेइंग फैंटेसी स्पोर्ट्स।